कहते हैं मुंह से अचानक निकला शब्द कई बार घातक साबित होता है। ऐसा ही कुछ पार्सल देने पहुंचे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के डिलीवरी बॉय के साथ भी हुआ। उसकी गलतफहमी के शिकार व्यवसायी और उसके पुत्र ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। मामले में पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। कोतवाली थाना अंतर्गत तुलसीनगर में रहने वाला अभिषेक महतो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। वह गुरुवार की देर शाम पार्सल देने कालीबाड़ी पहुंचा था। इस पार्सल में श्री साड़ी पैलेस का पता लिखा हुआ था। जब अभिषेक साड़ी पैलेस पहुंचा तो व्यवसायी और उसके पुत्र मौजूद थे। अभिषेक ने पार्सल के संबंध में जानकारी दी तो साड़ी पैलेस के संचालक ने ऐसा कोई भी ऑर्डर लेने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद के बाद डिलीवरी बॉय दुकान से चला गया। उसने थोड़ी देर जाकर पार्सल में लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो व्यवसायी के किराएदार का निकला। वह अपना सामान लेने डिलीवरी बॉय के पास पहुंची। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे जिसे व्यवसायी पुत्र दुकान के छत से देख रहा था। वह आक्रोशित होकर डिलीवरी बॉय के पास पहुंच गया। फिर पिता पुत्र ने डिलीवरी बॉय की जमकर धुनाई कर दी। पार्सल था, उनके किराएदार थे, तो उनको मैं फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, आपका पार्सल आया, मैं गया था एड्रेस पे, लेकिन वो तो मतलब मैं नहीं आऊँगा, वो पत्थर फेंक के मार रहे हैं, खतरा है मेरे को तो वहाँ पे। तो मैं बोला आप यहाँ पे आ जाइए, तो बोले यहाँ पास में आ जाओ आप थोड़ा दूर, मैं वहाँ आ जाऊँगी। तो मैं वहाँ गया फिर से, तो बात ही कर रहा था कस्टमर से, उन्होंने ऊपर से देख लिया और नीचे आए और बोले इधर आओ। मैं बोला आप आ जाओ नीचे, तो फिर गुस्से में आए और गाड़ी का चाबी छीन लिया। अब फिर मेरे को ऐसे ऐसे घसीटते हुए फिर बोले तू मेरी मम्मी को साली बोला है, ऐसे पूरा मारते हुए। मैं तुम्हें किस किस चीज़ से मारे आपको? हाथ से ही, इसमें मोटा कड़ा था, हाथ से ही पूरा मारे, और बचाने के चक्कर में हाथ वाथ में लग गया ऐसे कड़ा। डिलीवरी बॉय अभिषेक का कहना है कि दुकान से निकलते वक्त उस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, इस दौरान उसके मुंह से कुछ शब्द निकल गए थे। यह शब्द व्यवसायी अथवा उसके पुत्र को रास नहीं आया, लेकिन वे गलत समझ बैठे। घटना की सूचना डिलीवरी बॉय ने सहकर्मियों और पुलिस के अधिकारियों को दी। मानिकपुर पुलिस ने मुलाहिजा की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। कोरबा से पवन तिवारी की रिपोर्ट।